हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा चल रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और आज का टॉपिक हम ले रहे हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक और एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं छोटे क्वेश्चनों में। तो आज के टॉपिक का हमारा क्या नाम है, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक आज का, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। मोस्ट एग्जाम की दृष्टि से और बहुत ही इजी सिंपल है, इसको आप समझ जाओगे बहुत जल्दी। देखो, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी होता क्या है, देखो बच्चों, ये क्या एक इंस्ट्रूमेंट, एक उपकरण है। क्या होता है, ये उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। आवेश की उपस्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी क्या होता है, एक उपकरण होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। यानी वो वस्तु आवेशित है अथवा अनावेशित है, आवेशित है अथवा अनावेशित है, तो ये बातें हम इसमें कर सकते हैं। किसी भी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का अनुमान लगाने का जो यंत्र हमारे पास है, उसी को हमने क्या बोला हुआ है, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, ठीक है, यानी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो ठीक है बच्चों, ये होता कैसा है उसको समझे हम। देखो तो सिंपल, देखो इसमें क्या होता है, एक इस तरह कांच का जार होता है, इसको हम बना सकते हैं इस तरह, ठीक है। ये कांच का जार होता है और सपोज करो यहां पर एक कॉर्क लगा हुआ है, ठीक है, और इस कॉर्क के अंदर से, जैसे मान लो एक कॉर्क लगा हुआ है, इस कॉर्क के अंदर से यहां पर एक धातु की छड़ होती है, इसके अंदर लगी रहती है जार के अंदर, ठीक है। तो कॉर्क लगा रखा हमने यहां पर, तो ये बच्चों एक धातु की छड़ है, ठीक है, ये हमारा कांच का जार है, ये धातु की क्या होती है, छड़। तो देखो मैं लिख देता हूं इसमें क्या क्या है, ये तो हमारा कांच का जार होता है, इसमें कांच का जार जी, ये एक धातु की छड़ है, धातु की छड़, रोड, कैपिटल आर बोल दिया इसको मैंने। अब बच्चों यहां पे क्या होता है, इस वाले सिरे पर एक चकती लगी रहती है, डिस्क लगी रहती है, धातु की जो छड़ है उसके ऊपरी सिरे पर एक डिस्क लगी रहती है, धातु की चकती लगी रहती है, तो ये क्या है, मेटेलिक, इसको मैं यहां लिख देता हूं। तो ये हमारी जो ऊपर धातु की छड़ के ऊपरी वाले सिरे पर, ऊपरी वाले मुख पर एक डिस्क लगी रहती है, धातु की चकती है, धातु की चकती, डिक्स, डी बोल दिया इसको मैंने, ठीक है। और इस धातु की छड़ के जो निचले वाला सिरा है, तो बच्चों ये निचले वाले सिरे पर दो स्वर्ण पत्तियां लगी रहती हैं, इस तरह, तो ये गोल्ड लीफ होती, स्वर्ण पत्तियां, स्वर्ण पत्र बोल दे इसको, ठीक है। ये वाला कॉर्क हो गया, क्लियर है बच्चों। तो ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्कोप यानी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। तो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी क्या होता है, यह एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है, कि वस्तु आवेशित है या निरावेशित है, क्लियर है।
तो बच्चों इसके हम बनावट की बात करें तो इसमें कांच का जार होता है, ठीक है, जिस पर एक धातु की छड़ जुड़ी होती है अंदर से, अंदर लगी रहती है। ऊपरी वाले मुख पर एक धातु की चक्ती डी लगी रहती है, डिक्स, और नीचे वाले मुंह पर इसमें दो स्वर्ण पत्र लगे रहते हैं, सोने की पत्तियां लगी रहती है, ठीक है। तो स्वर्ण पत्र क्यों लगे रहते हैं इसका भी अपन कारण बता दें कि स्वर्ण पत्र की बारे में बात करें तो देखो बेटा, इसका जो मास पर यूनिट एरिया बहुत कम होता है स्वर्ण पत्र का, द्रव्यमान प्रति इकाई क्षेत्रफल। भला हम स्वर्ण पत्र क्यों काम ले रहे हैं इसके बारे में बात करें कि हमने यहाँ पर स्वर्ण पत्र काम लिए हैं, गोल्ड लीव्स हमने काम लिए हैं, सोने की पत्तियां हमने काम ली हैं, तो उसको काम में लेने का जो हमारे पास बेनिफिट है या जो कारण है वो क्या है कि स्वर्ण पत्र का द्रव्यमान प्रति इकाई क्षेत्रफल, मास पर यूनिट एरिया, द्रव्यमान प्रति इकाई क्षेत्रफल क्या होता है, कम होता है। पर यूनिट एरिया क्या होता है बच्चों, कम होता है। यानी इसको अपन कितना भी छोटा बना सकते हैं, कितने भी पतले तार बनाए जा सकते हैं, ठीक है, ओके। और दूसरी बात हम करें कि बहुत फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल, ठीक है, लचीला है स्वर्ण पत्र, फ्लेक्सिबल है बहुत ज्यादा। और सबसे जो इंपॉर्टेंट कारण क्या है स्वर्ण पत्र लेने का, गोल्ड लीफ लेने का, कि यह अल्प स्थिर वैद्युत बल, यह अल्प स्थिर वैद्युत बल के प्रति भी संवेदनशील होता है, के प्रति भी संवेदनशील होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मान लो बहुत कम इलेक्ट्रिक फोर्स है, बहुत कम वैद्युत बल है, तो उसके लिए भी रेस्पॉन्स करता है ये जो गोल्ड लीफ हमने लगा रखे हैं, ठीक है। अभी समझ में आएगा किस तरह फोर्स लग रहा है। तो ये जो गोल्ड लीफ है तो बहुत कम फोर्स के लिए भी, बहुत कम इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए भी ये रेस्पॉन्स करता है, ठीक है ना, मतलब इफेक्ट पड़ता है इस पर। तो ये कुछ कारण है कि हम स्वर्ण पत्र क्यों काम लेते हैं, ठीक है। तो अब चूंकि सोना महंगा होता है आपको पता है, तो एल्युमिनियम भी हम यहाँ काम ले सकते हैं, एल्युमिनियम की पत्तियां भी हम काम ले सकते हैं, तो वो इलेक्ट्रोस्कोप थोड़ा सा सस्ता होता है बजाय गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के। तो इसकी बनावट थी। अब इसका काम कैसे होता है, हम कैसे हम आवेश की उपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं, तो देखिए, तो जैसे बच्चों सपोज करो मेरे पास मान लीजिए कोई कांच की छड़ है, ठीक है, क्या ये कांच की छड़, अब मैंने मान लो इस कांच की छड़ को रेशम से रगड़ दिया, ये कांच की छड़ थी, कांच की छड़, इसको मैंने किससे रगड़ दिया बच्चों, रेशम से रगड़ दिया, किससे रगड़ दिया, रेशम से। तो हमने सीखा हुआ है कि कांच की छड़ को जब हम रेशम से रगड़ेंगे तो उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, हमें चार्ज दिखाई नहीं देगा। तो अब हमें ये देखना है कि ये छड़ हमारी आवेशित है कि नहीं है, ठीक है, इस पर चार्ज है कि नहीं है। तो यही सा काम है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, आवेशन को बताना, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ चार्ज के बारे में बताना। तो ये कांच की छड़ थी, इसको हमने रेशम से रगड़ दिया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसको ऐसे उठाया, सपोज करें कांच की छड़ थी, इसको हमने ऐसे रेशम के कपड़े से रगड़ दिया, तो अब इस छड़ को हम इसके पास लेके जाएंगे, इसको टच कराएंगे, क्योंकि ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्कोप है वो कंडक्शन मेथड पर बेस्ड होता है, यानी चालन द्वारा आवेशन होता है यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, इस कांच की छड़ को हम इसके पास लेके जाएंगे। तो मैं मान लो इस कांच की छड़ को इसके पास लेके गया, ठीक है, टच कराते हैं इसको। तो ये कांच की छड़ को मैं यहां से उठा के रेशम से रगड़ के इसके पास लेके गया, तो क्या होगा बच्चों, देखो, तो ये चार्ज जो है, हमने इसको टच कराया, तो ये चार्ज जो है वो इस पर आएगा, इसे बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, चालन द्वारा आवेशन या संपर्क द्वारा आवेशन। तो जैसे ही टच कराओगे आप, तो ये चार्ज इस धातु की जो छड़ है इस पर आएगा, ठीक है, मोशन होगा चार्ज का, इस संपर्क द्वारा आवेशन जो हो रहा है, ये जो चार्ज है वो इस पर आएगा छड़ पर, और ये जो सोने की पत्तियां हैं ये भी मेटल की बनी है, यानी ये धातु है, ये भी स्वर्ण धातु है, तो इन दोनों पत्तियों पर क्या आएगा, चार्ज आएगा। तो बच्चों अब ये क्या होंगी, पत्तियां फैल जाएंगी, इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी पहले से,
तो अब ये जो पत्तियां हैं, जैसे इन पे चार्ज आया तो अब ये पत्तियां ऐसी हो जाएंगी, दूर दूर हो गई। चार्ज आने पर दोनों पत्तियों में क्या हुआ? प्रतिकर्षण हो गया, क्योंकि दोनों पर समान आवेश था तो दोनों पत्तियों में प्रतिकर्षण हुआ। तो अगर ये फैल जाती है, हमें दिखाई देता है बाकायदा कि पत्तियां मान लो पहले यहां पे थी, सपोज करो पत्तियां मान लो पहले यहां पे थी, तो अब ये पत्तियां फैल गई, दूरी बढ़ गई, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आप वस्तु लेके आए हो ये आवेशित है। ये क्या है बच्चों? आवेशित है। क्लियर हो गया? सिंपल है बिल्कुल। तो हमने क्या समझा इसमें कि स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, ये हमारा टॉपिक है, तो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की बनावट में हम क्या लिख सकते हैं कि इसमें कांच का जार होता है, ठीक है, और इस जार के अंदर एक धातु की छड़ लगी रहती है, धातु की छड़ के ऊपर एक धातु की चकती होती है और छड़ के निचले सिरे पर दो स्वर्ण पत्तियां लगी रहती हैं। ठीक है, तो हम स्वर्ण पत्तियों का प्रयोग क्यों करते हैं? इसका आंसर क्या होगा कि हम स्वर्ण पत्तियों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इनका मास पर यूनिट एरिया, यानी इनका जो द्रव्यमान प्रति इकाई क्षेत्रफल है, बहुत कम होता है। कितने भी पतली पत्तियां बना सकते हैं, ठीक है, और ये बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं और ये बहुत कम स्थिर वैद्युत बल के लिए भी रेस्पॉन्स करती है। ठीक है ना, तो इसलिए हम स्वर्ण पत्तियां काम लेते हैं। तो जैसे हम किसी कांच के छड़ को रेशम से रगड़कर इस जो चकती है डिक से इसके संपर्क में लाते हैं तो ये चार्ज जाता है इसके अंदर, चालन द्वारा आवेशन होता है और ये पत्तियां फैल जाती हैं। तो पत्तियों का फैलाव ही ये बताएगा कि ये वस्तु आवेशित है कि निरावेशित है। तो ये फैला हुआ, इसका मतलब ये वस्तु कैसी थी? चार्जिंग थी। ठीक है, अब आप कहोगे सर हम तो एबोनाइट की छड़ लेके आएंगे। बिल्कुल लेके आओ। तो पहले इसको हम डिस्चार्ज करेंगे। डिस्चार्ज कैसे करेंगे? आप इसके पास गए, आपने इसको हाथ लगा दिया, भाई इसमें चार्ज आ गया, छड़ को आपने हटा लिया, जब भी चार्ज रहेगा इसमें तो आपने इसको टच कर दिया। टच करने का मतलब क्या हुआ? टच करने का मतलब ये हुआ कि ये ग्राउंडेड हो गया, ठीक है ना, अर्थिंग हो गई। तो ये ग्राउंडेड हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से इलेक्ट्रॉन गए और ये डिस्चार्ज हो गया। तो ये डिस्चार्ज हो गया तो हम ये यहां चार्ज को हटा देते हैं। जैसे यहां आप हाथ लगाओगे तो ये डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। तो अब हम ऐसा करते हैं, हम अपनी एबोराइट की छड़ को लेके आते हैं। तो ये हम इसको थोड़ा सही कर दें कि ये हमारी चकती थी डिक्स, ठीक है बच्चों। तो ऐसा करते हैं, हम एबोनाइट की छड़ को इसके पास लेके हैं और एबोनाइट की छड़ को हम बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो उसमें कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये हमारी जो छड़ थी वो कौन सी है? एबोनाइट की छड़ है, एबोनाइट की छड़। इसको हमने किससे रगड़ा हुआ है? बिल्ली की खाल से रगड़ा हुआ है, बिल्ली की खाल से रगड़ कर इसको हम लाएं। तो हमें पता है कि भाई नेगेटिव चार्ज हो जाता है, तो अब इसका प्रूफ हमें कैसे मिलेगा कि भाई चार्जिंग हुआ कि नहीं हुआ? तो लाते हैं इलेक्ट्रोस्कोप को, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप हमारे सामने है और यहां पर वही दो पत्तियां थी, ठीक है, एल फॉर लीफ। तो एबोनाइट के छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर जब हम लेके आते हैं इस शक्ति के पास तो इस पर अब नेगेटिव चार्ज आ गया, तो नेगेटिव चार्ज चालन द्वारा छड़ पर जाएगा और इन पत्तियों पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा, तो जिससे क्या होंगी? ये फैलेंगी, ठीक है ना। दोनों पर सेम चार्ज है, दोनों नेगेटिव चार्ज है, ऋणावेशित है, तो फैलेंगी। इसका मतलब जो आप वस्तु लेके आए हो वो कैसी है? वो चार्ज्ड है, वो आवेशित है। क्लियर है? तो बिल्कुल आप समझ गए हैं कि एबोनाइट की छड़ को हमने बिल्ली खाल से रगड़ा, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज आ गया छड़ पर, तो इसको हमने कैसे पता लगाया कि जैसे टच करा तो चार्ज नीचे गया चालन द्वारा, चालन द्वारा आवेशन। चार्ज जब कॉन्टैक्ट होता है, चार्ज बाय कॉन्टैक्ट, चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट, संपर्क द्वारा आवेशन भी बोल सकते हैं इसको, चालन द्वारा आवेशन पढ़ेंगे इसको हम।
तो इस तरह हम किसी भी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा टॉपिक था छोटा सा, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।